नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमी सलामत है क्योंकि आसमान में तुम हो। इंडियन एयरफोर्स, भारत का गर्व। जब एक साधारण इंसान सेना में शामिल होता है तो उस इंसान के लिए धरती उसकी माँ होती है और उस धरती की रक्षा जवान का परम धर्म। अपना सब कुछ छोड़ के सेना के जवान बस देश की रक्षा में जुट जाते हैं, पर जब वही जवान अपनी धरती माँ के लिए एक दिन शहीद हो जाते हैं तो उसके घर में दुखद माहौल बन जाता है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग इसे निराशा के रूप में नहीं बल्कि गर्व और हिम्मत के चेहरे से देखते हैं। फरवरी में वायुसेना का मिराज 2000 बेंगलुरु में क्रैश हो गया था। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल शहीद हो गए थे। अब उनकी पत्नी गरिमा अबरोल एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी। गरिमा ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम क्रैक कर लिया है। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने ट्वीट कर इस बारे में बताया, साथ ही गरिमा के हौसले की तारीफ भी की। अनिल चोपड़ा ने ट्विटर पर दो तस्वीरें शेयर की, जिसमें एक तस्वीर में वो समीर अबरोल के साथ गरिमा नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरिमा की ट्रेनिंग के दौरान की तस्वीर शेयर की। उन्होंने गरिमा को असाधारण पदार्थ के रूप में महिला बताया। उन्होंने लिखा, सभी महिलाएं एक सी नहीं होती, कुछ आर्म्ड फोर्स के जवानों की पत्नियां होती हैं। गरिमा अबरोल पहले दुंदिगल वायुसेना एकेडमी ज्वाइन करेंगी, फिर वो 2020 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगी। आपको बता दें, इसी साल फरवरी में जेट मिराज 2000 टेस्टिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया था। उसमें 33 वर्षीय स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल और 31 वर्षीय सिद्धार्थ नेगी शहीद हो गए थे। ये हादसा हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट पर हुआ था। फरवरी में हुए हादसे के बाद गरिमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा था जो काफ़ी वायरल हुआ था। इस पोस्ट में उन्होंने हादसे के लिए पुराने एयरक्राफ्ट और सरकारी रवैये को जिम्मेदार बताया था। तब इस पोस्ट को काफ़ी लोगों ने शेयर किया था। आपकी और हमारी यही दुआ है कि जल्दी से गरिमा एयरफोर्स ज्वाइन करके देश का नाम ऊँचा करें। स्पेशल डेस्क से पलक गुप्ता की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।